सोलन में नवरात्रों के चलते माता शूलिनी के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहां एक और मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है, वहीं भक्त लंबी लंबी कतारों में माता शूलिनी का आशीर्वाद लेकर अपने मंगल भविष्य की कामना कर रहे हैं। शूलिनी माता सोलन शहर की नगर देवी है और शहरवासियों की माता शूलिनी के प्रति गहरी आस्था है और उनका मानना है कि उनके आशीर्वाद से आज तक सोलन शहर में कोई विपदा नहीं आई है और शहरवासी दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और शहर फल फूल रहा है। सोलनी माता में आस्था के बारे में व्याख्यान करते हुए मंदिर में आए भक्तों ने कहा कि उनकी माता के प्रति बेहद आस्था है, क्योंकि माता के दरबार में जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आता है उसकी माता हमेशा सुनती है और उनकी झोली भरकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग देश के कोने कोने से आते हैं और माता में इतनी शक्ति है कि बीमार लोग भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है तथा इसे और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंडी में पत्रकार वार्ता में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स की दरों में ऐतिहासिक कटौती की है और कई प्रकार की राहत प्रदान की है। आज के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15% की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं। ये लाभ उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो किसी छूट का लाभ नहीं उठाती और 31 मार्च 2023 को या उससे पहले अपने उत्पाद को शुरू करती हैं। शेयरों की पुनः खरीद की घोषणा 5 जुलाई 2019 से पहले करने वाली कंपनियों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2014 में भारत दुनिया का सबसे अधिक टैक्स रेट वाला देश था। इससे कंपनियों का निर्यात और आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती थी। अधिक टैक्स होने के कारण कंपनियां विश्व की अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दर को धीरे धीरे कम कर दिया है। भारत की कंपनियां अब विश्व की अन्य बड़ी कंपनियों के मुकाबले में आगे निकल गई हैं। टैक्स रेट कटौती के पीछे संदेश साफ है कि कंपनियों के पास अधिक धन निवेश, अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन, उच्च विकास, उत्पादन में वृद्धि और अत्यधिक आमदनी है। 2017 में देश में बैंकों की संख्या 27 थी, जो अब 12 हो गई है। सभी बैंकों ने ऋण धारकों को लाभ पहुँचाने के लिए MCLR में कमी करके दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है। जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। 45 लाख तक के घरों के लिए 31 मार्च 2020 तक किए गए ऋण के ब्याज पर 1.50 लाख तक छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी का विपक्ष जो रोना रो रहा है वे तथ्यहीन है तथा विपक्ष के नेताओं को कुछ कहने से पूर्व अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। पूर्व सरकार के समय खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही थी, उसे सरकार ने निम्न स्तर पर पहुंचाकर स्थिर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व में आर्थिक स्थिति के मामले में सशक्त बनकर उभर रहा है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश दवाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग सड़क के बीच में कुर्सी, सीढ़ी और फट्टा लगाकर यहां से आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर 10 रुपए ले रहा है। इस बीच यहां बैठे इस बुजुर्ग की किसी युवक ने वीडियो भी बनाई है। वीडियो बनाने के साथ ही युवक ने सड़क के बीच में कुर्सी लगाकर इस तरह से हर एक गाड़ी को रोकने का कारण बुजुर्ग से पूछा तो उसका कहना था कि वे डंगे लगवाने के लिए ये पैसे एकत्रित कर रहा है। बुजुर्ग का कहना था कि ये सलाह उसे विधायक रमेश धवाला ने ही दी है और जब तक पैसे एकत्रित नहीं हो जाते वे ऐसे ही गाड़ियों को रोककर उनसे 10 रुपए वसूल करेगा। फिलहाल ये सब करके इस बुजुर्ग ने सरकारी व्यवस्थाओं पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिसकी आवाज़ देर सवेर सरकार के कानों में जरूर गूंजेंगी, पर इसमें
अब कितना समय लगता है ये देखना बाकी रहेगा। मजेदार बात ये है कि 3 मिनट कुछ सेकंड की बनी इस वीडियो में पहले बुजुर्ग एक गाड़ी वाले को व बाद में दूसरी बार एक सरकारी बस को टोल टैक्स देने के लिए रोकता है। वहीं वीडियो में जब बस के परिचालक द्वारा उसे टोल टैक्स के 10 रुपए दे दिए जाते हैं तो वे कुर्सी हटाकर बस को आगे ले जाने देता है। सोशल मीडिया में वायरल मैसेज के साथ ही यहां लिखा गया है कि बारिश के कारण इस बुजुर्ग को नुकसान हुआ है और बाबा जी गरीब हैं। अब पैसे नहीं है तो सरकार को कुछ तो मदद करनी चाहिए, पर सरकार तो खुद कर्ज लेकर चल रही है। बस विधायकों के मजे हैं, अब हम पैसे भी ऐसे ही इकट्ठे करेंगे। इस मैसेज के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग स्थानीय विधायक व सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहां की है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस वीडियो में स्थानीय विधायक का ही जिक्र किया जा रहा है। वहीं लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ज्वाला जी के विधायक कोई काम तो कराएंगे नहीं और न ही किसी की बात सुनेंगे।